नमस्कार छात्रों, आपकी हिंदी हिंदी की की वर्चुअल वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो विषय हमारा है, एक तो आपके पाठ्यक्रम में जो एक बहुत अच्छी कहानी है ताई, और दूसरा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, तो दोनों के बारे में संक्षिप्त आज की कक्षा में हमें अध्ययन करना है। तो छात्रों, आज मैं सबसे पहले आपको ताई कहानी के बारे में बतलाऊंगी, और मेरा ये कहना है कि जो गद्य की विधाएं भी हम पढ़ेंगे उन्हीं के अंतर्गत कहानी भी है। गद्य की कई विधाएं होती हैं, उन्हीं के अंतर्गत एक प्रमुख विधा कहानी भी है। तो कहानी, आप लोगों ने देखा होगा, कहानी में हर बच्चे को इंटरेस्ट होता है। तो मेरा आपसे कहना है कि जो आपके कोर्स में है कहानियां, वो भी बहुत अच्छे से छांट कर रखी गई हैं। और आपने देखा होगा जो आपके पाठ है उसमें कुछ निबंध होते हैं, कुछ कहानी होती है, कुछ एकांकी होती है। तो ये सभी जो है गद्य खंड में गद्य की विधाएं हैं बच्चों, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपको जो सर्वप्रथम कहानी के बारे में बतला रही हूँ, ताई कहानी, शायद आप लोगों की कक्षा में यह पढ़ाई जा चुकी होगी, और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है अभी तक, तो पहले मैं उसको संक्षेप में आपको बता देती हूँ, उसके बाद में फिर आप उसको घर पे जाके बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी है। और इस कहानी में नारी के मन की भावनाओं को बहुत अच्छे से बताया गया है। आप लोगों ने भी देखा होगा घर में कि माँ का बच्चों के प्रति बहुत अधिक प्रेम होता है। अगर कोई खाने की चीज कम भी है तो माँ बच्चों को पहले देगी और बाद में खुद खाएगी, अगर उसको नहीं भी मिले तो उसको कोई दुख नहीं होता। तो इसी प्रकार से इस जो कहानी है, इस कहानी को विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने लिखा है। तो सबसे पहले कहानी के जो लेखक हैं उनके बारे में हमें जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो विधा हम पढ़ रहे हैं, उसको लिखने वाले के बारे में भी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को पाठ से संबंधित लेखकों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो प्रत्येक पाठ के लेखक का नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग पाठ्य पुस्तक हमेशा सामने रखें और पाठ के लेखक का नाम या कवि का नाम हमेशा अपने ध्यान में रखें, उनसे संबंधित रचना। तो जो ये कहानी है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने लिखी है, यह प्रेमचंद युगीन लेखक हैं। और प्रेमचंद जी का तो आपने नाम सुना ही है बच्चों, कि यह उपन्यास सम्राट के रूप में विख्यात है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा साहित्य लिखा है, जो बड़ा ही मर्मस्पर्शी साहित्य इन्होंने लिखा है। और उन्हीं के समय के लेखकों में शर्मा जी का नाम भी बहुत अमिट अक्षरों में लिखा हुआ है, इसलिए इनकी कहानियां भी बड़ी मार्मिक बन पड़ी हैं। इन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा है, साहित्य के क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान है। तो बच्चों, अब हम आते हैं ताई कहानी के ऊपर। तो आप लोगों ने अगर कक्षा में कहानी नहीं पढ़ी हो तो अभी तो इतना समय नहीं है आपके पास, लेकिन घर पे जाके आप इस कहानी को पूरा अच्छे से पढ़िएगा। और अभी मैं आपको संक्षेप में ये बताती हूँ कि ताई जो कहानी है वो आप लोग भी शायद समझते होंगे बच्चों, बड़ी मम्मी, जैसे आपके घर में भी आपकी बड़ी मम्मी होंगी। तो इस कहानी में मूलतः यह बताया गया है कि एक परिवार है जिसमें दो भाई हैं, और बड़े भाई का नाम रामजी दास है और उनकी पत्नी का नाम है रामेश्वरी। पात्र परिचय आप लोग जरूर ध्यान से नोट कर लें बच्चों, क्योंकि कोई भी कहानी अगर हम पढ़ते हैं तो उसके सर्वप्रथम हमें पात्र परिचय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो ताई ताऊ और उनका छोटा भाई रहता है रामजी दास जी का, कृष्णदास। रामजी दास जी जो होते हैं उनके बच्चे नहीं रहते हैं, और जो उनका छोटा भाई है उसके दो बच्चे रहते हैं। तो स्वाभाविक है बच्चों, आपने देखा होगा कि घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो सबका मन उन्हीं के ऊपर रहता है। तो जो ताई होती है उनके उनके बच्चे नहीं रहते हैं, और उनकी देवरानी के दो बच्चे रहते हैं, बालक का नाम मनोहर रहता है और बच्ची का नाम मुन्नी रहता है। तो जो ताऊ रहते हैं वह उस बच्चे को, अपने भाई के बच्चों को, अपने बच्चों के समान ही प्यार करते हैं। तो बच्चे भी उनसे उसी हक से हर चीज को मांगते हैं। मनोहर जो बच्चा रहता है वह ताऊ का बहुत लाड़ला रहता है, लेकिन यह बात जो ताई रहती है रामेश्वरी जी, उनको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उनके खुद के बच्चे नहीं रहते बच्चों। तो इस कहानी में
मूल रूप से यह बतलाया गया है कि नारी के मन के भावों को, कि चूंकि उनके बच्चे नहीं होते हैं और जो उनके पति हैं वह अपने भाई के बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, तो वह उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कई बार छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा इस कहानी में बताया गया है कि कई बार रामेश्वरी देवी को भी अपने भाई देवरानी के बच्चों पर बहुत प्यार आ जाता है जब वो भूल जाती हैं, और फिर जैसे ही उनको ध्यान आता है उनके पति उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं बच्चों को, तो वह एकदम से फिर चिढ़ जाती हैं अंदर से। छोटी छोटी सी घटनाओं के द्वारा यह बताया गया है कि वह मनोहर से चिढ़ती है। एक छोटी सी घटना मैं आपको इसमें से चर्चा करना चाहूंगी, बाकी कहानी आप लोग घर पे पढ़ेंगे या हो सकता है आपकी कक्षाओं में भी पढ़ा दी जा चुकी हो, कि जैसे छोटे बच्चे तोतली आवाज में बोलते हैं कि ताऊजी ताऊजी हमें रेलगाड़ी ला कर दोगे क्या, तो वहीं पास में क्या है, ताई जी भी बैठी रहती हैं। तो बालक मनोहर जब ताऊ जी से रेलगाड़ी की मांग करता है अपनी तोतली आवाज में, तो वह बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते अच्छा मैं ला कर दूंगा, लेकिन आप किस किस को बिठा कर घुमाओगे उसमें। जैसे कि आप लोगों ने भी घर में देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चा जो है वह कहता है मैं आपको ही लेकर जाऊंगा और बाबूजी को भी नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वो भी मुझे रेलगाड़ी लाकर नहीं दे रहे। तो बच्चों वहीं पर ताई जी भी बैठी रहती हैं, तो जो ताऊ जी होते हैं वह मनोहर से पूछते हैं छेड़ने के इसमें, क्यों अपनी ताई जी को नहीं बिठा के ले जाओगे क्या। तो मनोहर एक पल के लिए अपनी ताई जी की तरफ देखता है और फिर जैसे ही उसको ध्यान आता है, क्योंकि बच्चे मन की बात बहुत समझते हैं, तो जो ये डबरा के बच्चे हैं वो जरा शांत बैठे। तो बच्चों छोटे बच्चे जो रहते हैं मन की भावनाओं को बहुत समझते हैं, तो वह तुरंत कह देता है कि नहीं ताई जी को नहीं बिठाएंगे क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती। तो देखिए बच्चे के मन में यह भावना रहती है कि ताई मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन ताऊ जी मुझे प्यार करते हैं। और जो ताऊ जी रहते हैं वो बार बार रामेश्वरी को यही समझाते हैं कि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, बच्चों से हमें प्यार रखना चाहिए, लेकिन चूंकि ताई के बच्चे नहीं होते इसलिए वो अंदर से उन बच्चों से प्यार नहीं कर पाती है। अब एक घटना के द्वारा इसमें पूरा जो कहानी क्रम है वह चेंज होता हुआ बताया गया है बच्चों, कि एक बार छत के ऊपर ताई बैठी रहती है और बालक मनोहर भी खेलता रहता है, और फिर वो एक बार दौड़ते दौड़ते मुंडेर ऐसे गिर जाता है और मुंडेर को पकड़ लेता है, और यह सीन देखकर वह चिल्लाता है ताई जी मुझे बचाओ। लेकिन चूंकि रामेश्वरी देवी के मन में एक चिड़ भरी हुई रहती है कि उनके जो पति रहते हैं वह इन बच्चों को बहुत चाहते हैं, तो वह एक पल के लिए सोचती है कि मैं बचाने के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं, और बस उसी समय में उसी बीच में जब तक वह मन में विचार करती है और वहां तक नहीं पहुंच पाती, वो बालक मनोहर छत से गिर जाता है, और जैसे ही बालक मनोहर गिर जाता है उसी समय रामेश्वरी देवी चिल्लाकर अचेत हो जाती है, बेहोश हो जाती है। और जब उनको होश आता है बालक गिर जाता है, उसको चोट लगती है लेकिन धीरे धीरे वह सही हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो जो ताई है रामेश्वरी, जैसे ही उनको होश आता है और वह मनोहर मनोहर चिल्लाने लगती है, कहती मनोहर को बचाओ, मनोहर गिर रहा है छत से। और जब मनोहर को वह ठीक देखती है, तबीयत ठीक होने के बाद में काफी समय तक वो भी अचेत रहती है, बीमार हो जाती है, और जब वह होश में आती है तब उनको अपनी गलती का एहसास होता है, और फिर वो उनके मन से यह भेद हट जाता है कि ये बच्चे मेरे नहीं। तो इस कहानी के अंदर बच्चों जो नारी के मनोभावों को बताया गया है उसमें यह बताया गया कि एक सामाजिक जो समाज में भी अगर मतलब जैसे जिसके बच्चे नहीं रहते तो स्त्री को अंदर से बहुत ज्यादा दुख रहता है कि ये तो मेरे बच्चे नहीं है, अपना बच्चा होता है, उनके मन में ये चीज रहती है। लेकिन जैसे ही मनोहर को बचा नहीं पाती है उस घटना के बाद उनका मन द्रवित हो जाता है और एकदम से उनका हृदय क्या है परिवर्तित हो जाता है। बच्चों तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है हमें कि जो चीज हमारे पास नहीं है मान लीजिए, तो उसके पीछे ना भागकर जो हमारे सामने है उन वस्तुओं में ही अपनी खुशी को खोजने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो इस घटना के बाद से रामेश्वरी देवी में बहुत चेंज आता है और वह उन बच्चों को भी अपना बच्चा मान के उतना ही प्यार और स्नेह देने लगती है और पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल हो जाता है। लेकिन शुरू की घटनाओं में उन्होंने एक यथार्थ चित्रण किया है विश्वम्भरनाथ जी शर्मा ने छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा कि किस तरह से कि जब तक इंसान किसी व्यक्ति वस्तु को या व्यक्ति को अपना नहीं समझता है, जब तक वह उसको पराया समझता रहता है, क्योंकि जब तक रामेश्वरी देवी अपने देवर के बच्चों को दूसरे का बच्चा समझती रहती तो उनके अंदर वह प्यार की भावना नहीं जागती है। भले ही बच्चे बहुत ही प्यारे रहते हैं लेकिन उस घटना के बाद से उनको लगता है कि देखो अगर मैंने उस बच्चे का उस समय हाथ पकड़ लिया होता तो कितना अच्छा होता। उनके मन में बस एक
अपराध भावना जो रहती है, परंतु जैसे ही मनोहर अच्छा हो जाता है तो उनका सारा जो द्वेष है, जो उनके अंदर उन बच्चों के प्रति चिढ़ रहती है, वो सब खत्म हो जाती है और वह उन बच्चों को ही अपना बच्चा समझ के प्यार करने लगती है। बच्चों, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो चीज अगर हमारे पास नहीं है उसके पीछे ना दौड़कर, जो चीजें हमारे सामने हैं उनसे ही अपनी खुशी को तलाश कर अपने जीवन को खुशमय बनाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को हर चीज नहीं मिलती जिंदगी में और हर समय पूरे सुख साधन से संपन्न कोई भी इंसान नहीं हो सकता। किसी को कोई कमी है तो किसी को कोई कमी है। अगर हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अंदर झांक के देखेंगे तो हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई दुख या निराशा के भाव कभी ना कभी किसी कारण से आते हैं, तो उनको हमें छोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है बच्चों कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके लेखक का नाम आपको मैंने बता दिया, बच्चों नोट कर लीजिए। अच्छा, इनके जो कहानी संग्रह है बच्चों, प्रमुख कहानी संग्रह इनके चित्रशाला और मणिभाषा। तो बच्चों, ये जो विश्वम्भरनाथ शर्मा जी कोशिक हैं या प्रेमचंद युग इन कहानीकार हैं, इनकी कहानियां बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो आप लोगों को भी, आजकल तो हर स्कूल में भी लाइब्रेरी बनाई जा रही है बच्चों, और हम लोग भी यही प्रयास करते हैं कि लाइब्रेरी में कुछ ऐसी पुस्तकें ही बुलाई जाएं जो बच्चों के जीवन में कुछ अच्छा संदेश देकर जाए। तो बच्चों, आप लोग भी अगर आपको इनकी कहानियों का संग्रह मिले तो आप लोग इनकी कहानी, कुछ तो आपके कोर्स में भी आगे मिलेंगी, और इनके संग्रह अगर मिले आपको तो आप लोग इनको जरूर पढ़ें। अच्छा, इनकी प्रमुख कहानी एक तो ताई मैंने आपको बताई थी, और अशिक्षित का हृदय इक्के वाला भी इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, और इनकी कहानियों में आदर्शवाद और भावुकता की झलक मिलती है। मार्मिकता इनकी कहानियों का प्रमुख भाव है। तो बच्चों, कभी कभी आप लोगों को जब लेखक परिचय या कभी परिचय आता है उस समय भी आपको, मेरा कहना यही रहता है कि जैसे ही आप पाठ पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप लेखक या कवि के बारे में भी जानकारी हासिल कर लें, इनकी रचनाओं को पढ़ लें, दो या तीन रचनाएं आप लोग नोट कर लें, तो उससे आपको क्या है कि जो जीवन परिचय और कवि परिचय आता है उसमें भी आपको कोई रटने की जरूरत नहीं होती है। इनकी भी एक चार्ट तरह से आप बना लें, चार्ट या सारणी जैसी बना लें, क्योंकि जो कवि परिचय लेखक परिचय आता है उसमें भी आपको दो रचनाएं और लेखक का भाषा शैली और साहित्य में स्थान, इसी प्रकार से कवि का दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो इस तरह के तीन बिंदु बना के आप कम से कम पांच पांच छह छह लेखक या तो शुरू के आपके या आखिर के पांच या छह आप तैयार कर लेंगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई एक फंस ही जाएगा, और हमेशा आपको इसमें एक में अथवा आता है बच्चों। तो आप लोग जो है इनको साथ साथ याद करते चले, क्योंकि अब आपकी परीक्षा का समय भी नजदीक आने वाला है, और जोड़ी बनाओ और जो 25 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, वो आपको इन्हीं सब चीजों में से आते हैं, और अगर आपको सही याद नहीं है लेखक का नाम या रचना का नाम तो फिर आपका पूरा नंबर एक एक नंबर का रहता है, लेकिन वो जो है आपका कट जाता है। और अभी भी जो आपका प्रश्न पत्र का पैटर्न है, जो दो दो अंक के प्रश्न आ रहे हैं बच्चों, उसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन जब आप सही और सटीक उत्तर लिखेंगे तभी आपको नंबर सही मिलेंगे। सभी जगह के छात्र जरा ठीक से बैठ जाए। अच्छा, और इस कहानी में जो कहानी आपको बताई मैंने, इसमें नारी चरित्र के सुंदर विश्लेषण बताए गए हैं। भाव भी है सरल सहज भाषा के कारण कहानी जो आपको मैंने बताई काफी मर्म स्पर्शी कहानी बन पड़ी है। और बच्चों, कहानी को जरूर आप लोग घर पे पढ़ लेना, हो सकता है अभी तक आपने पढ़ भी ली हो, फिर भी अगर एक बार और रिपीट कर लेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ अच्छा लगेगा। पात्र परिचय भी मैंने आपको बता दिया था बच्चों, चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं पात्र परिचय। हमेशा पात्र परिचय जरूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपको खालिस्तान में बच्चों पूछा जाता है कि बाबू रामजी दास मनोहर के खालिस्तान थे, तो क्या थे? बाबू रामजी दास मनोहर के ताऊ थे। रामेश्वरी कौन थी? मनोहर की ताई थी। तो इस तरह से भी आपको एक एक नंबर क्या है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे बिल्कुल आसान सा प्रश्न होता है ना, उसको भी सही नहीं करके जाते, क्योंकि उसका कारण क्या है कि सभी के दिमाग में यह बात रहती है कि हिंदी में क्या पढ़ना, ज्यादा परीक्षा के समय पढ़ लेंगे पास तो हो ही जाना है। लेकिन बच्चों, अब आजकल जो आपका प्रश्न पत्र का पैटर्न है, और वैसे भी
जो आपके पाठ्यक्रम में चीजें शामिल की गई हैं बहुत ही अच्छी है। सारी कहानियां, निबंध सब आपके जीवन में भी आपको काम आएंगे। तो इनकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप लोग ध्यान रखें तो आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। कई बार बच्चे निबंध और बड़े बड़े प्रश्न बहुत अच्छे से लिख के जाते हैं लेकिन उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो गलत हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? इसी वजह से, क्योंकि वो पाठ को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। पात्रों का नाम ध्यान में होना चाहिए क्योंकि आजकल आपको खालिस्तान में और सत्य असत्य कथन में भी इन सब चीजों को पूछा जा सकता है। तो आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखें। अच्छा, अब जैसे आप लोगों को जो दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें बच्चों बहुत ही आसान आसान प्रश्न आते हैं। जिसने पूरा पाठ पढ़ा हुआ है उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। वैसे ये प्रश्न आपको किताब में भी मिल जाएंगे, जैसे कि ताऊ जी हमें रेलगाड़ी लाकर दोगे, यह वाक्य किसने और कब कहा? तो यह वाक्य किसने और कब कहा, आप तो शायद मुझे लगता है हर बच्चा इसका उत्तर लिख लेगा। इसमें भी पूरे दो नंबर मिल जाते हैं बच्चों। तो आपको हर पाठ के पीछे सबसे पहले आपको एक एक नंबर वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहते हैं, उसके बाद में लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय। तो बच्चों हर पाठ से संबंधित अगर पाठ को आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता, चूंकि अपनी मातृभाषा है तो आप लोगों को और भाषाओं के अलावा अपनी भाषा में प्रश्न उत्तर वगैरह तैयार करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो वाक्य कब किसने और कब कहा, मनोहर और रामेश्वरी का क्या रिश्ता था, ये भी मैंने आपको अभी बताया। कई बार प्रश्न जो है उनका लगभग उत्तर एक ही होता है। अच्छा, ताई कहानी का मुख्य उद्देश्य एक वाक्य में, तो इसमें नारी के जो मनोभाव है उसका विश्लेषण बहुत अच्छे से किया गया है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसके आधार पर अगर आपको तीन नंबर का या चार नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि रामेश्वरी ममता और त्याग की प्रतिमूर्ति है, कहानी के आधार पर लिखिए। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि रामेश्वरी जो रहती है हृदय से तो कोमल होती है, लेकिन चूंकि रामेश्वरी के जो पति रहते हैं वो अपने भाई के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और इनके बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए एक नारी सुलभ चिड़ उनके अंदर भर जाती है। अंदर ऊपर से वो कठोरता दिखाती है, फिर बच्चों से जैसे ही उनके पति उन बच्चों से बहुत अच्छे से प्यार करते हैं और इनकी चिड़ परिलक्षित होने लगती है। तो बच्चों इसमें यह बताया गया है कि अंदर से रामेश्वरी का मन कोमल है जो ताई है, लेकिन चूंकि उनके खुद के बच्चे नहीं है इसलिए उनको जब उनके पति उन बच्चों को बहुत अधिक स्नेह और प्यार देते हैं तो इनको चिड़ हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि जब एक घटना ऐसी हो जाती है उसी घटना से पता चल जाता है कि रामेश्वरी देवी जो है अंदर से कठोर नहीं है। जैसे वो मनोहर को नहीं बचा पाती एकदम से फिर अचेत हो जाती है, उधर मनोहर का गिरना और उधर उनका फिर हृदय परिवर्तन हो जाना। इससे यह पता चलता है कि रामेश्वरी का मन कठोर नहीं है, वह ममता और त्याग की प्रतिमूर्ति है। अब मनोहर की बाल सुलभ चेष्टाएं ये आप अपने लिख सकते हैं, जिस प्रकार से आपको कृष्ण की बाल लीलाएं और राम की बाल लीलाओं में आप लोग लिखते हैं उसी प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं सबके घरों में कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा या आसपास देखते होंगे तो देखा होगा आप लोगों ने, वो छोटे बच्चे जो है बहुत उनकी जो जो चेष्टाएं होती है बड़ी बाल सुलभ और बहुत अच्छी लगती है, उनकी बोली भी तोतली रहती है तो उनके मुंह से हर बात बहुत अच्छी लगती है। और अपन घर में भी अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो हम उससे बार बार एक ही बात को बुलवाते हैं, जरा ये डबरा वाले बच्चे ठीक से बैठ जाएं, सामने देखें, ठीक से बैठ जाएं बच्चे। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। अब ताई हमें प्यार नहीं करती वाक्य में मनोहर ने किस ओर संकेत किया है? बच्चों मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जब रेलगाड़ी लाने के लिए वह ताऊ जी से बोलते हैं, मनोहर बोलता है तो वह कहते हैं हाँ हम आपको लाकर देंगे रेलगाड़ी। तो बच्चों से क्योंकि बच्चों के मुंह से हर बात अच्छी लगती है तो ताऊ जी बार बार पूछते कि इस किस को बिठाओगे, कि मनोहर किसको बिठा के ले जाओगे, और वो ताई का नाम नहीं लेता है तो फिर भी ताऊ जी चढ़ने के लिए पूछते क्यों अपनी ताई को नहीं बिठाएगा क्या? तो फिर वह मनोहर बोलता है कि नहीं ताई को नहीं बिठाऊंगा क्योंकि वह मुझे प्यार नहीं करती। तो इस बात में इस ओर संकेत किया है कि बच्चे मन की भावनाओं को बहुत समझते हैं, इसलिए कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, है ना। तो बच्चे क्या है, कोई बात जो भी होती है अगर जैसे उनको कोई मार देगा डांट देगा तो वह ज्यों की त्यों बात आकर बताएंगे, इसलिए बच्चे मन के सच्चे होते हैं कहा गया है। अब छात्रों ये तो अपनी हो गई
साई कहानी को मैंने कंप्लीट कर दिया और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यह समझ में आई होगी। सभी बच्चों को समझ में आई क्या? जरा हाथ उठाकर बताएं मुझे, साई कहानी समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा बच्चों, तो आज जाके घर पे पढ़िएगा आप लोग, और इसमें से भी आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे मुझे लग रहा है, और सभी बच्चे अच्छे से करके आएंगे। अब देखिए बच्चों, आज एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको मैं अभी शॉर्ट में ले पाऊंगी, गद्य साहित्य। गद्य साहित्य का इतिहास। बच्चों जैसे अभी अपन ने जो कहानी पढ़ी वह भी गद्य साहित्य की एक विधा है। तो गद्य साहित्य का जो ये डबरा वाले बच्चे बहुत ज्यादा इधर उधर सबसे आगे जो बैठे हैं, बच्चे जरा ठीक से बैठे और नहीं अगर सुनना है तो बाहर निकल जाइए, सामने देखे। गद्य साहित्य का जो इतिहास है वह आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास सबसे ज्यादा हुआ है बच्चों। और देखिए मेरा कहना यह है कि अभी आप लोग चूंकि 9th क्लास में हैं, मैं हमेशा क्लास में भी बच्चों से कहती हूँ, चाहे वो 11th के बच्चे हों चाहे 12th के बच्चे हों, जैसे 8th तक की भी ग्रामर आपको बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आना चाहिए। और अगर उस समय तक भी आपने ध्यान नहीं दिया तो अब क्योंकि 9th क्लास है, आपका बेस हाई स्कूल का स्टार्ट हो गया है, इसलिए आप लोग हर आप लोगों ने देखा होगा किताब में जैसे ही गद्य साहित्य शुरू होता है उसके पहले आपको गद्य साहित्य का इतिहास दिया रहता है। इसी प्रकार से जब कविताओं वाला चैप्टर शुरू होता है उसके पहले आपको पद्य साहित्य का इतिहास दिया रहता है, और वही आपकी ग्रामर भी होती है बच्चों। और पाठ के पीछे जो चीजें दी होती हैं वह आपकी ग्रामर होती है। तो गद्य साहित्य का जो इतिहास है वह आधुनिक काल में भारतेंदु युग से इसका विकास प्रारंभ हुआ है। और देखिए बच्चों, गद्य की जो अभिव्यक्ति है वह आप देखते हैं कि बचपन से ही जैसे ही छोटे बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो आप लोगों को लिखने का जो शुरुआत होती है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में बिना गद्य के हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति जो है वह गद्य पर ही आधारित होती है। दैनिक जीवन का कोई भी कार्य व्यवहार हो, जैसे हम कोई सामान भी खरीदने जाते हैं तो हमें रसीद मिलती है, मतलब लिखना। अब गद्य साहित्य में कार्य व्यवहार सब इसी के माध्यम से संपन्न होते हैं बच्चों। तो गद्य साहित्य का जो इतिहास है वह भारतेंदु युग से स्टार्ट है। भारतेंदु युग में निबंधों का लेखन शुरू हुआ। निबंध का कोई एक क्षेत्र सीमित नहीं है, हम किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। वैसे कहा गया है कि एक बंधी हुई रचना नी धन बंध को कहा जाता है निबंध। तो बंधी हुई रचना तो इसकी एक परिभाषा है ही, लेकिन बच्चों बंधा हुआ निबंध भी नहीं होता है, इसको हम अपने विचार से किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। तो आपको जिस विषय पर भी विचार आए, जैसे अभी भी आप लोग निबंध तो आपको हर क्लास में आता ही आता है, और 9th क्लास में भी 10th में भी 11th और 12th सभी जगह आपको निबंध अवश्य आता है 10 नंबर का, और आजकल 7 नंबर का निबंध आता है और 3 नंबर की रूपरेखा आती है। तो निबंध के लिए लिखने के लिए हमें विषय कोई भी मिल सकता है बच्चों। हालांकि आप लोगों को जो आते हैं अधिकतर कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें से ही आपको एक आध निबंध तो आ ही जाता है, लेकिन कोशिश आप लोग ये करें कि किसी भी विषय पे निबंध लिखने की कोशिश करें। जो भी आपको अपने आसपास कोई वस्तु दिखाई दे या आप किसी भी चीज के ऊपर निबंध लिख सकते हैं, जो आपको विषय अगर आकर्षित करता है उसके ऊपर से आप भले एक पेज का लिखें लेकिन लिखने की कोशिश करें। तो गद्य साहित्य जो है हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब गद्य साहित्य का विकास मैंने आपको बता दिया, नोट करने आप लोग प्रमुख बातें कि गद्य साहित्य का विकास हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से प्रारंभ हुआ और अब जो है गद्य साहित्य की उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गई है बच्चों। आप लोग आज भी जाकर पाठ्य पुस्तक में आपके जो गद्य साहित्य का इतिहास दिया है उसको भी आप पढ़ेंगे, और आपको और भी जगह से अगर कहीं कुछ किताबें मिलती हैं तो आप उसको अध्ययन अच्छे से करें। अब देखिए बच्चों, जो गद्य साहित्य मैं आपको बता रही हूँ उसको मैंने बताया कि एक बंधी हुई रचना, मतलब उसमें आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है। तो बंधी हुई रचना का मतलब क्या है कि एक सार गर्भित होना चाहिए। किसी भी विषय के ऊपर अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ निकल के आना चाहिए कि हम किस विषय पर लिख रहे हैं। तो जिस जो अपन शीर्षक देंगे उससे संबंधित मैटर उसमें होना चाहिए बच्चों। तो गद्य साहित्य अनेक रूपों में उपलब्ध होता है, जैसे कि आप लोगों के जो पाठ्य पुस्तक में होता है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी इत्यादि। ये सब चीजें जो हैं
गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं। और आपने देखा होगा कि आपके पाठ्यक्रम में सभी गद्य की विधाओं में से जो गद्य खंड है आपका, उसमें सभी विधाओं में से एक एक रचना डालने की कोशिश की जाती है ना। तो कौन सी विधा में है, या ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित कोई भी रचना का नाम दे दिया, खालिस्तान या कहानी है या उपन्यास है। तो कहानी जो होती है वह छोटा रूप होती है, कहानी छोटी होती है, इसको हम 3-4 पेज में भी लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और कहानी की विशेषता खास तौर से यह होती है कि कहानी को हम कम समय में पढ़ सकते हैं। और उपन्यास जो होता है वह पूरे संपूर्ण विवरण होता है, तो इसमें पात्रों की संख्या भी अधिक होती है और इसमें पढ़ने में इसको समय भी ज्यादा लगता है। लेकिन उपन्यास भी कई अपने, जैसे अभी हमने आपको इनका बताया, प्रेमचंद जी का तो उपन्यास काफी फेमस है, और भी बहुत अच्छे अच्छे उपन्यासकार हैं। बच्चों कभी आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग अच्छे अच्छे उपन्यास भी पढ़ने की आप कोशिश करें, कहानी भी पढ़ें। आजकल क्या है कि समय कम होता है बच्चों के पास में, तो लेखन की और पढ़ने की जो आदत है वह बहुत कम होती जा रही है। मोबाइल, टीवी, इन सब में ज्यादातर जो भी समय बचता है पढ़ाई लिखाई से, वो सब इनमें ज्यादातर अपना चला जाता है। तो छात्रों मेरा कहना ये कि जब भी आपको कोई भी अच्छी कहानी, उपन्यास, नाटक भी पढ़ने का मौका मिले, एकांत की जीवनी, इन सब के बारे में, तो आप लोग पढ़ें। अब जीवनी, आत्मकथा, जैसे जीवनी भी है जो बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों की जीवनी है, वो आपके कुछ तो आप लोग ऐसे क्लास तक पढ़ चुके होंगे और कुछ आप लोगों के लाइब्रेरी में भी होगी, तो अच्छी अच्छी जीवनी को आप लोग पढ़ने की कोशिश करें। कई बहुत अच्छे लोगों ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, लेखकों ने, तो उनको भी आपको अगर कभी मौका मिले तो पढ़ें, और उनसे जो हमें शिक्षा मिलती है उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो छात्रों हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है, इसमें आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, ये सब तो नाम है बच्चों, तो इतनी विधाएं आपको इसमें प्रमुख है। अब इनमें से कुछ विधाएं आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी विस्तार से। अब इसमें जो है आपकी कहानी के बारे में मैंने आपको बताया, उपन्यास के बारे में बताया। आज क्योंकि समय अपने पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको इन सब के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे नाटक, नाटक भी आपने देखा है, नाटक दृश्य श्रव्य काव्य होगा बच्चों, क्योंकि नाटक को स्टेज पर ही करके बताया जा सकता है, तो इसमें भी पात्रों की संख्या कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम, कभी कम भी हो सकती है। तो नाटक को अपन अच्छे अच्छे नाटक, एक दो नाटक तो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल होते ही हैं, और इनको आप लोग अपनी बाल सभा में और इसमें खुद पात्र बनकर इसको आप लोग छोटे में करके और अपनी बाल सभा में इसको प्रस्तुत भी कर सकते हैं बच्चों। तो नाटक को खेलने से क्या है, फिर आपकी स्टेज पर आने की जो डर है वह भी दूर होगा और आपको इन सब के बारे में जानकारी भी हासिल होगी। इसके पश्चात है आत्मकथा। आत्मकथा में बच्चों लेखक अपने पूरे जीवन के बारे में बताता है, आत्मकथा के में लेखक अपने जीवन के बारे में बताता है पूरा, उसके स्वयं के बारे में शुरू से लेके आखिर तक वह बताता है, अपने छुए अनछुए पहलुओं को जो किसी और को नहीं बताया वह अपनी आत्मकथा में वह लिखता है। अब इसके पश्चात है बच्चों संस्मरण। तो संस्मरण में क्या होता है, जैसे कि लेखक, देखिए जाते हम लोग भी हैं कई जगह, लेकिन जाके देखकर घूमकर आ जाते हैं, लेकिन जो अच्छे लेखक होते हैं या जिनके पास शब्द कुछ हर कोई नहीं लिख सकता बच्चों, तो संस्मरण का अर्थ क्या होगा, जैसे हम कहीं अच्छी जगह पर गए घूमने के लिए, तो उसको हमें अपने शब्दों में बताना, या अपने कोई भी जीवन से संबंधित कोई घटना है उसको आपको अच्छे से लिखकर बताना, ताकि उस घटना से आपको क्या शिक्षा मिली, या जो हम विभिन्न लेखकों के भी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते रहते हैं संस्मरण, तो उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है और उनको पढ़ने से हमें जीवन में भी शिक्षा मिलती है। जो लेखक को प्राप्त होती है शिक्षा, उसको हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। अब रेखाचित्र, रेखाचित्र का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि चित्र के द्वारा बताना किसी भी घटना को, इस तरह से व्यक्त करना किसी भी घटना को, इस तरह से व्यक्त करना कि बिल्कुल वह घटना हमारी आंखों के सामने, ऐसा लगे कि हमारी आंखों के सामने घट रही है, तो जीवंत हो जाती है घटना। तो इस तरह से जो रेखा चित्र का अर्थ क्या है कि चित्र के माध्यम से,
हमें बताना। ये आगे के दो बच्चे तो बहुत ज्यादा शैतानी कर रहे हैं डबरा के, इनकी मैडम लोग नहीं है क्या? और नहीं बैठना है बच्चे तो बाहर चले जाओ, हेड डाउन करके बैठ जाओ, हेड डाउन करके बैठ जाओ सीधे डबरा वाले। मन पढ़ाई में लगता नहीं बिल्कुल क्या? अब इसके पश्चात में है पत्र। पत्र भी बच्चों देखिए, पत्र जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनका लेखन इतना अच्छा होता है कि उनके जो पत्र हैं, जैसे महात्मा गांधी के पत्र, और पहले तो क्या था, ये मोबाइल और इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो अधिकतर लोग पत्र व्यवहार जो करते थे उससे क्या होता था, बड़े लोगों के और बहुत अच्छे अच्छे लेखकों के पत्र अभी भी सुरक्षित है बच्चों। तो जैसे इंदिरा जी के पत्र भी, और जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को लिखे थे, वो भी कभी आपको मौका मिले तो पढ़ना आप लोग बच्चों, तो वो आपको जीवन में बहुत फायदा देंगे। डायरी, डायरी का अर्थ ये होता है बच्चों कि कई लोगों की आदत होती है कि वह अपने जीवन की हर घटना को, जैसे सुबह से लेकर शाम तक में क्या हुआ, उसको अपनी डायरी मेंटेन करते हैं या डायरी को लिखते हैं, तो उसमें उनकी उनके प्रतिदिन की पूरी घटनाओं का, सुबह से लेकर रात तक उन्होंने क्या किया, इस सब का वर्णन होता है बच्चों। तो डायरी से क्या है, डायरी लिखने से भी आपकी लेखन क्षमता प्रभावशील बनती है। तो मेरा भी कहना ये है कि आप लोग जो है लेखन को किया करें, अपनी सुबह से लेकर शाम तक की अगर कोई महत्वपूर्ण घटना है तो उसको नोट करें, ऐसे ही करके आपकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी लिखने की, तो उससे फिर क्या है, आप किसी भी विषय के ऊपर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो है आपको मैंने बताया पत्र डायरी इत्यादि के बारे में, संस्मरण लिखा। अच्छा, अब इसमें जो है गद्य साहित्य की जो विधा है, प्रत्येक विधा का प्रतिपादन प्रस्तुतिकरण अलग अलग तरह से किया जाता है बच्चों, और इसको इसकी भाषा शैली भी अलग अलग तरह की होती है। अब इसको तो खैर बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है ये, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे बच्चों और जैसे जैसे आपको कक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी तब आपको इनका नॉलेज होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में हर तरह की विधा शामिल की गई है और इनको कई शैलियों में लिखा जाता है। जैसे गद्य को भी कई शैलियों में लिखा जाता है, व्यास शैली में लिखा जाता है, व्यंग शैली में लिखा जाता है ना बच्चों? जैसे आप लोगों ने कई व्यंग निबंध भी पढ़े होंगे, है ना, मनोविकारों से संबंधित निबंध लिखे जाते हैं। तो बच्चों ये जो विधाएं हैं इन इनसे ही पूरा गद्य साहित्य समृद्ध हुआ है। तो प्रत्येक विधा का भी बड़ा विस्तृत अध्ययन है बच्चों, और हमारी गद्य साहित्य में बहुत ही अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं, उनमें से शायद अभी तो बहुत सारे लेखकों को हमने पढ़ा ही नहीं है, और आप लोगों का तो अभी शुरुआत है, तो आप लोगों को मैं अभी से यह शिक्षा देती हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी अच्छा साहित्य मिले उसको पढ़ें। तो प्रत्येक विधा की शैली, भाषा और अलग अलग तरह की विधा को अलग अलग शैली में भी लिखा जाता है बच्चों। अच्छा, निबंध के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि निबंध का गद्य साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी आप लोग नोट कर लें। निबंध की परिभाषा अगर लिखना चाहें आप लोग, निबंध किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लें, और आज इन सब चीजों को आप लोग जाकर अच्छी तरह से तैयार भी कर लें बच्चों, जो चीजें मैंने आपको समझाई है निबंध और सारी गद्य की विधाओं को आप लोग आज जाके पढ़ेंगे घर पर, तो उससे आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। निबंध की परिभाषा आप चाहें तो नोट कर लें बच्चों। अच्छा, अब आपको एक परिभाषा, निबंध का विकास काल अगर पूछा जाता निबंध किसे कहते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो परिभाषा है वह बड़ी फेमस है, प्रसिद्ध है, कि हिंदी साहित्य का में जो रामचंद्र जी शुक्ल है उनके तो निबंध आप लोगों का कोर्स में होंगे भी और अब आएंगे भी बच्चों आगे भी, बहुत ही चिंतनशील लेखक रहे ये, उनका नाम साहित्य में अमिट है और गद्य कवियों की कसौटी है। उनकी जो परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा, कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अगर अच्छा निबंध लिखा हुआ है, गद्य की कसौटी जो है, अच्छा निबंध जो है वह गद्य की कसौटी है। इस तरह से आप लोगों को जैसे कभी एक परिभाषा पूछी जाती है तो रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। तो निबंध साहित्य का प्रारंभ भी
मैंने आपको बता ही दिया है कि भारतेंदु युग से हुआ, फिर द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग और इसके पश्चात वर्तमान युग जो चल रहा है। तो आप लोगों को कई बार इतना बड़ा क्वेश्चन अभी आप लोगों को नहीं आता है, आपको सिंपल ही गद्य का विकास बताना होता है। तो छात्रों आप लोग इसको अच्छे से परिभाषा को कम से कम एक या दो लेखकों की परिभाषा आप लोग याद करें और ये जो है आपको 11 12 तक काम आएंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे आप हर क्लास में इन्हीं लेखकों और कवियों से संबंधित, क्योंकि इनका जितने भी लेखक और कवि हैं सब ये फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, इन्होंने ऐसे साहित्य का सृजन किया है बच्चों को जो हमारे जीवन में शिक्षा प्रद है। तो आपको जैसे दोहे है तो कबीर है और रंध है, ये सब रामचंद्र शुक्ल है, इनका आपको आगे की हर क्लास में कोई ना कोई पाठ कोई ना कोई विधा में मिलेगा। तो बच्चों इनकी रचनाएं अगर आप लोग अभी से याद करेंगे और इनको भूलेंगे नहीं तो ये आपको 11 12th में भी काम आएंगी, 10th में भी काम आएंगी, हर क्लास में, क्योंकि लेखक परिचय और कवि परिचय तो आना ही आना है। तो बच्चों ये आपको कभी भी भूलना नहीं है, लैंग्वेज का यही मतलब है, चाहे गणित हो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, ग्रामर जो होती है बच्चों वो आपको हमेशा ही काम आती है। तो उसको आप ये केवल रटने के से तैयार ना करें, अच्छा ज्ञान बढ़ाने के अनुसार आप लोग उसको पढ़ें। अब इसी में एक एक परिभाषा बाबू गुलाब राय के अनुसार भी है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। तो छात्रों माने एक बंधी हुई रचना, किसी भी विषय से अगर, किसी भी विषय पर अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो उसमें हमारा मैटर जो है वह बहुत अच्छा होना चाहिए। निबंध की विशेषताएं, निबंध की विशेषताएं भी आपको पूछी जा सकती हैं बच्चों। तो इसमें जो है आपको निबंध तो आएगा ही आएगा 10 नंबर का, तो इसमें आपको भी ध्यान रखना है बच्चों कि जिस विषय पर भी आप निबंध लिखेंगे उसके आकार एवं विस्तार में उचित तालमेल होना चाहिए। निबंध के विषयों की कोई सीमा नहीं होती है, लेखक पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है बच्चों, लेकिन उसमें उसमें भी हर कोई नहीं लिख सकता बच्चों, हमें भाषा का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए और अच्छे अच्छे लेखकों की रचनाएं अभी से आप लोग पढ़ें तो आपको क्या होगा, शब्दकोश मिलेगा, और जब शब्दकोश आपके पास में होगा तो आप किसी भी विषय के ऊपर अपनी शब्दों को अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये निबंध की विशेषताएं भी नोट कर लें बच्चों आप लोग। अब निबंध के प्रकार बच्चों, कथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, प्रमुख चार प्रकार होते हैं इसमें। जैसे कहानी के कथात्मक मतलब जिसमें किसी चीज की कहानी, वर्णन अर्थात किसी जगह पर जाकर हम अगर उस जगह का वर्णन करते हैं, वहां की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। विचारात्मक मतलब हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, मनोविकार, उन सबसे संबंधित जो निबंध होते हैं। भावात्मक, भावात्मक निबंधों में हम भावों को ज्यादा प्रमुखता देते हैं बच्चों। तो इसमें जो है आपको चार प्रकार के निबंध होते हैं, इनको नोट कर लें आप लोग। और इनके बारे में ये आपका होमवर्क है कि एक एक प्रकार का एक एक निबंध आप लोग अगली कक्षा में जरूर छाट कर और पढ़कर तो आए कम से कम, है ना। और इसमें से कम एक निबंध अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं बच्चों। और विकास क्रम भी मैंने आपको बता दिया है निबंध का, अभी बता चुकी हूँ मैं इसके, आप राइटर नोट कर लें। लेखक जो है भारतेंदु युग के जो प्रमुख लेखक हैं, कई बार आपको दो लेखक पूछ लिए जाते हैं जैसे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमधन, ये प्रमुख लेखक रहे भारतेंदु युग के, और इनकी दो दो रचनाएं भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, और इन पत्रिकाओं का इन लोगों ने, इन लेखकों ने संपादन भी किया उस समय जो भारतेंदु युग था बच्चों, उस समय सबसे शुरुआत गद्य साहित्य की हुई और उस समय इन लेखकों ने किसी न किसी इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया, और संपादक ही निबंध लिखते थे पत्रिका में और कुछ और लोगों के भी शामिल की जाती थी रचनाएं, पर इन पत्रिकाओं का जो स्तर रहता था वह बहुत अच्छा रहता था। तो बच्चों आज के लिए
इतना ही। अब आगे आप लोग इन सब चीजों को पढ़ के आए, और अगर इसमें कोई चीज ना समझ में आए तो अगली कक्षा में आप लोग पूछें, और एक निबंध आप लोग जरूर लिख कर लाएं, एक प्रकार का कोई भी निबंध। धन्यवाद।